दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर बीजेपी के लिए, जीतन राम मांझी का उमड़ा प्रेम, बोले एनडीए में नीतीश की वापसी पर होगी खुशी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते को लेकर प्रशांत किशोर के बाद जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा के लिए जीतन राम मांझी का प्रेम एक बार फिर से उमड़ पड़ा है। बिहार में गठबंधन के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जीतन राम मांझी ने कहा कि गठबंधन में अभी सरकार चलाने में अभी जैसे बयानबाजियां हो रही है, यदि नीतीश कुमार को लगता है कि सरकार चलाने में कोई परेशानी हो रही है तो उनका रिश्ता बीजेपी के साथ बेहतर है, और अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होते हैं तो जीतन राम मांझी भी उन्हीं के साथ रहेंगे। अगली खबर, जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी और जदयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि जीतन राम मांझी का यह बयान अपना हो सकता है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार के हित में और जेडीयू के हित में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो अभी चल रहा और आगे क्या फैसला होता है ये देखा जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी का बयान हमने नहीं सुना है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वाम दल या अटूट गठबंधन है, बाकी एक दो जो अन्य सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। जब तक साथ रहेंगे अब सम्मान करेंगे। उनका मन अगर ढोल रहा तो बीजेपी में जाने से उन्हें कोई रोक नहीं रहा। अगली खबर, बिहार में डेंगू लगातार पांव पसारता जा रहा। पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पटना में 459 नए डेंगू मरीज मिले और इनमें से लिए गए नमूने में 261 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल रोगियों की संख्या 4390 हो गई है। वहीं नवादा में एक युवक की डेंगू से मौत हो गई। प्रदेश में डेंगू की जांच करने आई केंद्रीय टीम को पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के अंदर ही डेंगू का मच्छर मिल गया। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के जेल में बंद आतंकी और पत्थरबाज बिहार लाए जाएंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। जम्मू कश्मीर के जेल में बंद आतंकी और पत्थरबाजों को सूबे की सबसे सुरक्षित भागलपुर की जेल में शिफ्ट कराने की तैयारी चल रही है। ऐसे खूंखार बंदियों की संख्या 2 दर्जन बताई जा रही, जिन्हें जम्मू कश्मीर की जेलों से विशेष केंद्रीय कारा के अति सुरक्षित टी सेल में रखने पर मंथन किया जा रहा। जेल सूत्रों की माने तो उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अन्य बंदियों से अलग रखा जाएगा। पहले से सख्त सुरक्षा वाले इस जेल में वहां से खूंखार बंदियों के लाए जाने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कराने के लिए अंदर ही अंदर तैयारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से आने वाले बंदियों के आगमन पूर्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी की तैनाती की जाएगी, जो कि उन खूंखार बंदियों की निगरानी करेगी। अगली खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने के प्रकरण में कहा कि अब नाक रगड़ ले नीतीश कुमार, बीजेपी के दरवाजे हो चुके हैं बंद। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार अब नाक भी रगड़ ले तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद रहेंगे। बीजेपी नेता का यह बयान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के संपर्क में है। प्रशांत किशोर के बयान के बाद पटना से दिल्ली तक तमाम तरह के सियासी अटकलें शुरू हो गई है। अगली खबर, नीतीश अगर पाला बदल फिर से मिलाए भाजपा से हाथ तो हम स्वागत करेंगे, बिहार सीएम को लेकर मांझी का बड़ा बयान। आपको बता दें कि पिछले दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में है। पीके ने बिहार सीएम के लिए कहा था कि वह दोबारा पाला बदल सकते हैं। इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है और बिहार के हित में यदि मुख्यमंत्री फिर से बीजेपी के साथ आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। अगली खबर, नीतीश कुमार से आगे निकले हेमंत सोरेन, बिहार में 5 करोड़, झारखंड में 30 करोड़ सब्सिडी। आपको बता दें कि झारखंड में इथेनॉल के उत्पादन को लेकर बनी नीति को राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। नई व्यवस्था में झारखंड में इससे संबंधित फैक्ट्री खोलने पर निवेशक को 30 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी और ये राशि बिहार में अधिकतम सब्सिडी की सीमा 5 करोड़ से 6 गुना अधिक है। बिहार में कैपिटल सब्सिडी की अधिकतम सीमा कुल निवेश के हिसाब से 15% अथवा 5 करोड़ रुपए है, जबकि झारखंड में कुल निवेश के हिसाब से 25% अथवा अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगली खबर, बिहार में सियासी बदलाव के बाद अब गठबंधन की सरकार है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन के साथ मिलकर नई सरकार बना ली है। सियासी उलटफेर के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार पर फोकस कर दिया है, लगातार प्रदेश में सियासी दौरा कर रहे। सीमांचल सारण के बाद अब अमित शाह नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में सियासी ओंकार भरेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिसंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सियासी ओंकार भरेंगे, इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्थानीय परिषद में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सांगठनिक विषयों एवं भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। नालंदा में आयोजित होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए कहा कि
दिसंबर में हम यहाँ पर बूथ कमेटी अध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन कराने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम किया जा रहा। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में चयनित 9469 स्वास्थ्य कर्मियों को पटना के ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार रिक्त पदों को भरे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हैं। साथ ही ये भी कहा कि जब नीतीश कुमार ने बिहार में नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया तो अब पीएम भी वही काम करने में लग गए। केंद्र सरकार दीपावली के दिन 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रही है। अगली खबर, नालंदा में आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले नेता प्रदेश से बाहर जाकर पीते हैं रंगीन पानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने रहुई एवं नूरसराय के दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान पत्रकारों के एक सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि लड़कों को तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सुबह शाम रहने वाले नेता भी बिहार से बाहर जाते हैं तो रंगीन पानी का सेवन करते हैं। इसके अलावा बीजेपी में जाने के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि वो पहले भी एनडीए के साथ काम कर चुके हैं और फिलहाल वह बिहार में घूम घूम कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर रहे और उसके बाद ही किसी प्रकार का निर्णय ले पाएंगे। अगली खबर, दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है। अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। त्यौहार के दौरान बाहर से आने वाले एवं जिले से बाहर जाने वाले 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग खासकर बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर विशेष नजर रख रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि दीपावली एवं छठ महापर्व को देखते हुए एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की अनुशंसा पर जिले में विशेष पोलियो अभियान चलाया जा रहा। अभियान के क्रम में वैसे चिन्हित स्थान जहां से बच्चे जिला एवं प्रखंड एवं संबंधित गांव में प्रवेश करेंगे या फिर बाहर जाएंगे उस पर नजर रखी जा रही है। अगली खबर, बिहार सरकार ने की अच्छी पहल। अब सरकारी स्कूलों में 12वीं तक के बच्चे अपने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में मनोरंजक ज्ञानवर्धक कॉमिक्स से लेकर महापुरुषों की जीवनी पढ़ पाएंगे। योग और खेल संबंधित पुस्तकों की रुचि लेकर बच्चे पढ़ पाएंगे। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के लिए इस तरह की पुस्तकें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए बीईपी ने NVTCIIL सहित सरकारी और निजी प्रकाशकों से इस तरह की पुस्तकों की जानकारी मांगी है। अगली खबर, मुंगेर में शिक्षकों की फीकी रहेगी। दीपावली 3 माह से विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। मुंगेर विश्वविद्यालय एवं उसके सभी कॉलेज शनिवार के बाद दीपावली और छठ पर्व को लेकर बंद हो जाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों सहित पेंशनर की दीपावली एवं छठ पूजा फीकी रहेगी, क्योंकि पिछले 3 माह से विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाया है, जबकि शुक्रवार तक भी विश्वविद्यालय को वित्त विभाग से अब तक वेतन राशि निर्गत किए जाने की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। अगली खबर, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार पर हमला किया। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि अब बिहार में आईएएस आईपीएस पैदा नहीं हो रहे। यहाँ के बच्चे पढ़ तो जरूर जाते हैं, एमए बीए कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और वो मजदूरी करने के लिए पलायन कर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग लो ग्रेड लेबर मजदूर पैदा कर रहे हैं और इसके बाद इन्हें पूरे बिहार में घुमा रहे। या बिहार की धरती ज्ञान की धरती रही है, लेकिन अब मजदूर वाली धरती रह गई। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर की किसी बात को नोटिस नहीं करते। पहले वो उनका सम्मान करते थे, लेकिन वह क्या क्या बोलते रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत किशोर के बारे में मुझसे प्रश्न नहीं पूछिए। अलीगढ़ बौद्धों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा करीब 3 साल के बाद 1 माह के लिए बोधगया रहे और उनका बोधगया आने का कार्यक्रम 25 दिसंबर का है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद दलाई लामा के आने को बोधगया के टूरिज्म के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा। हालांकि इसके साथ ही गया जिला प्रशासन की टेंशन भी बढ़ गई है। वजह है कि दलाई लामा की सुरक्षा, दलाई लामा हिमाचल के धर्मशाला में बेहद ही हाई सिक्योरिटी सुरक्षा घेरे में रहते हैं और उनके प्रवास के दौरान भी तिब्बत सरकार के सुरक्षा अधिकारी और गार्ड सिक्योरिटी में दिन रात मुस्तैद रहते हैं।